टैलेंटेड और इनके साथ जो एक शख्सियत जुड़ी हुई है जिसका नाम है दिनेश सोई, वो सोए हुए दिलों को जगाना जानता है, कभी बारिश के जरिए, कभी लल्ला लल्लोरी और अब स्नोफॉल के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात पीयू की, तो शकीरा के नाम से जानी जाती हैं, बेहतरीन डांसर हैं, बेहतरीन परफॉर्मर हैं। मेरी दिल से दुआएं हैं कि मालिक ऊपर वाला जो है इन दोनों को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे, क्योंकि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा है। और कसीम जिस तरह से मेहनत करते आ रहे हैं, मेरे साथ चलो पहला एल्बम किया था इन्होंने इससे पहले, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ रहा था। तो दिल से दुआएं, दोनों कामयाब रहें। और अंदर के बाद टिल्लू सिर्फ इतना कहना चाह रही है, भैया दिनेश भाई को ये मैसेज पहुंचा दियो, बहुत बड़ी चिरांद है लेकिन टिल्लू से बड़ी चिरांद नहीं है, अगली बार स्नोफॉल के बाद आना चाहिए नंबर स्काई का, वहां पर पहुंचना चाहिए क्योंकि स्काई इज लिमिट, नहीं तो टिल्लू एक एक गुर्दे छील देगा। थैंक यू। शर्मिला है हमारे हीरो, तो क्या करें, किस तरह से कॉम्बिनेशन कर पाते जे शर्मिला सामने से अभी देखा ना कैसे गले लगा रही था शकीरा को, कसम खा के कह रही हूँ गुर्दे पकड़ के लटकने वाला था, वो तो डायरेक्टर ने कट बोल दिया। पहले ऐसा कुछ मतलब आपको शूटिंग पे लगा कि ये किसिंग सीन था, धीरे धीरे आए, मतलब वो करने में कितना वो एक्चुअली शादीशुदा इंसान है ना, जहन में कहीं ना कहीं बेगम साहिबों भी घूमती रहती होंगी कि कहीं घर जाके गुर्दे ना छिल जाएं, तो ये लब जो है आगे बढ़ने से पहले एक जुम्बिश में रहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और दिल से दुआएं हैं, और आधा समझ में आया आधा नहीं आया, लेकिन जितना भी समझ में आया बहुत अच्छा समझ में आया और लगा कि गाना है। बिल्कुल कहना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद। और पिछले उन्होंने मैंने कई बार देखा है लल्ला लॉरी, और एक और इंग्लिश वाला था मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत हिट हुआ था इनका, तो बहुत पहले से जानता हूँ दिनेश भाई को, बेहतरीन इंसान है। और उनके अंदर डायरेक्शन मैं समझता हूँ, देखना आप ये आज सब बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में देखिएगा उनके ज़रिए ना सिर्फ एल्बम बल्कि शॉर्ट फिल्म, फिल्म बहुत कुछ उनके डायरेक्शन के ज़रिए निकलने वाली है। मैडम आप क्या कहना चाहिए, आपका एल्बम ये कितना मतलब आपको, ये कितना नंबर का एल्बम है? सबसे पहले नमस्कार सभी को। स्नोफॉल एक बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा टाइटल है ये, और लाइक यू नो दिनेश सर ने इसको बहुत अच्छे से, इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसको बहुत अच्छे से इसको प्ले किया है। और इसके जो सिंगर हैं मिस्टर उत्कर्ष सक्सेना, इन्होंने अपनी बहुत ही मेलोडी वॉइस दी है, तो इट्स अमेजिंग। और दिनेश ने लाइक यू नो सर ने हमें पूरा उसका जो ब्रेकडाउन किया था स्टार्टिंग में कि हमें इस तरीके से ये चीज़ दिखानी है, और ये इतने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं कि इनका सारा सेट पे सारी जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर थे, तो हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इट्स लाइक स्नोफॉल, इट्स मेलोडी एंड रोमांटिक सॉन्ग, और आई होप कि आप सभी को ये पसंद आए। और टुडे आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आज मेरा स्नोफॉल सॉन्ग रिलीज़ हुआ, और मेरे अभी तक तो व्यूज़ अच्छे हैं और अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव। थैंक यू। अब बताओ। मेरे को तो शूट करके दिनेश सर के साथ बहुत अच्छा लगा, और शायद से ऐसे ही वो आगे भी शूट करेंगे मेरे साथ, उन्हें पसंद भी आया, मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस बार शूटिंग में किस तरह का मतलब अनुभव रहा? इस बार शूटिंग में एक जब कोई किसी एक अच्छे और टेक्नीशियन तरीके से जो काम करने वाले हैं उनके साथ अगर कोई काम करता है तो खुद से एक नॉलेज आता है अंदर, तो वो मेरे को आया है और मैं चाहता हूँ कि और इससे भी अच्छा काम करूँ। सर पहले और कौन से गाने पे आ चुके हैं? मैं बेकरार माही सबसे पहला सॉन्ग था मेरा, उसके बाद सेकंड मैंने ट्रांस क्वीन के साथ किया था, थर्ड श्रेया कुलकर्णी के साथ किया था मेरे साथ चलो, उसके बाद अभी फोर्थ मैं स्नोफॉल में किया। अभी आने वाले क्या प्लान है? और आने वाले भी मेरी दो वेब सीरीज शूट हुई हैं जो शायद नेटफ्लिक्स पे आने वाली हैं, हो चुकी हैं, और फाइनली एक नया गाना भी रेडी है। जो आपके जो भी गाना आते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ ढूंढ के लाते हैं, कहाँ से लाते हो? मैं कहाँ ढूंढ के लेता हूँ, डायरेक्टर साहब ढूंढ के क्या बात है। देखिए यहाँ पर ये वीडियो आपकी वाइफ मतलब मेरी भाभी नहीं देख रही है? नहीं, देख लिया, देख लिया।
ऐसा है कि एक शेर से मैं डायरेक्टर को बुला लेता हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे रुख्सती चाहता हूँ। दिनेश भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाएं। दिनेश भाई तालियां। वेरीफाई हो गया 4 दिन के अंदर, मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरा हो जाएगा। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसका ज़्यादातर जो इंस्टा मेरा वेरीफाई हुआ है उसकी टेक्निकल टीम ये पीछे खड़ी है, श्रेया कुलकर्णी, इनकी टीम ने मेरा किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी टीम दी और उनकी वजह से मेरा हो गया। हमने ये गाना शूट किया है मलाड में। हम इस गाने का प्लान कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान कि हम इसे घर में शूट करेंगे, और हमने कुछ पैसा बनाया हुआ था। मेरी टीम है क्रिएटिव टीम सोनिया सोई एंड केसर दीवान कोरियोग्राफर। तो गाना प्लान किया, देन फिर कास्टिंग पीयू मिल गई, हु इज़ नोन एज शकीरा, जो बहुत ही डांसर भी है। अभी तो इस गाने में मूव्स हमने नहीं किए हैं यूज़। तो हमने गाना घर में शूट किया और एक घर का सेटअप ऐसा था, सोफ़ा आप देख रहे हो, बालकनी देख रहे हो, और शूट अच्छा निकला है बिकॉज एक्टर अच्छे थे। लग नहीं रहा होगा कि घर के अंदर शूट है, बट दिस इज़ वन इंटीरियर घर। म्यूजिक या इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, मेरे को इसका म्यूजिक मेरी टीम ने दिया है। इन्होंने म्यूजिक सुन के मतलब शायद से अब तक का सबसे खूबसूरत म्यूजिक लगा इन्होंने, बोला मुझसे कि यस। इसका बेसिक एक कंपोजिशन इसकी हमारे पास आई थी, देन वी क्रिएटेड द म्यूजिक जिसमें आप नाम देखेंगे टीम डीएस क्रिएशंस। म्यूजिक बड़ा अच्छा है, और मेन बात क्या है कि इंडिया में ना जो इंग्लिश गाने हैं उसकी ऑडियंस है। आप कोई मूवी देख लो, अवतार देख लो, या कोई देख लो, जो इंग्लिश मूवीज़ है एवेंजर्स एंड ऑल, दे आर डूइंग गुड बिजनेस। तो इंग्लिश गाने जो हैं वो कम आ पा रहे हैं या कम आते हैं या लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। तो हमने सोचा कि लेट अस टेक दिस इनिशिएटिव। हमने गाना लेके आए हैं, उसे प्यार मिल भी रहा है। मैंने कमेंट्स देखे हैं यहाँ पे, पी यू के तो मेरे सारे फैन थे, मुझे पता नहीं था। तो पी यू के कमेंट्स हो जाएँ या कुछ भी हो जाए, तो पीपल आर वेटिंग कि यार कुछ चीज़ नहीं आए इस गाने को। एक और बात, इस गाने को दुबई में मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जिनका नाम है विनय लाल दुबे, वो उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। और एक टर्की में एक हमारी फैशन डिज़ाइनर हैं, वो चली गई, जिन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किया था, वो टर्की में अभी वो उर्दुगुल गाजी सीरियल है उसके लिए वो वर्क कर रही हैं। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी टीम से जुड़ी और दिनेश भाई ने उन्हें ऑफ़र दे दिया कि आप आइए, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा नाम है डायरेक्टर की दुनिया का, गॉड का। बिग बॉस में काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हुए हैं एंड सब लोग, कोरियोग्राफर केसर दीवान कहाँ पे है आई डोंट नो, ये क्रिएटिव डायरेक्टर सोनिया मल्होत्रा, एक टीम वर्क था। गाना छोटा सा था, जो भी पर्दे में दिखा आपको जो खूबसूरत दिख रहा है, जो उसमें आपको दिख रही है कि हर्ष गर्ग का भी बहुत शुक्र गुजार है, हर्ष गर्ग जिन्होंने हमारे डीओपी साहब ने बनाया। और वन थिंग, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सॉन्ग हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आपको दिखाने का तरीका आना चाहिए। सिंपल, अगर आपने उसको लाइक इन जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश सोई सर, उनको ये पता था कि उनको ऑडियंस को क्या दिखाना है, सिंपल। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक डाउन किया और हमें उस तरीके से ट्रेन किया कि हमें ये सीन में यही चाहिए। तो ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक ऑल टीम आर एंजॉयिंग और किसी ने कोई लाइक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और लाइट मैन हो गया, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप आर्टिस्ट, एवरी वन, ऑल टीम वर्क, इसलिए हम लोग आज यहाँ हैं। और ये शूट सिर्फ 7 घंटे का है ना? हाँ, 7 घंटे का शूट है। और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, पीयू ने कहा कि ट्रेन किया, कोई भी किसी को एक दिन में ट्रेन नहीं कर सकता। शी इज वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्ट्रेस। आप इनके एक्सप्रेशन देखो, द वे जब ये कसीम जी जा रहे हैं, द लुक, द वे शी लुक्स, इट लुक्स लाइक सो प्रोफेशनल कि एक एक्ट्रेस जो काम करता आ रहा है कहाँ रहा है। और इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, मूवीज किए हैं, शी इज वेरी मच बिजी इन द शोज। हमने कैसे डेट लिए, कैसे इनको ऑन बोर्ड लेके आए, वी नो इट। मेरा एक सवाल आपसे है, स्नोफॉल रोमांटिक सॉन्ग है, एक तरफ जहाँ रियल लाइफ में रोमांस प्यार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं रियल लाइफ में एक्ट्रेस या और आम लोग पहले तो प्यार कर रहे हैं, बाद में खुदकुशी या फिर मर्डर कर रहे हैं। देखिए, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इंटरेस्टिंग भी है। अभी आपने बताया, जैसे हमने दिखाया स्नोफॉल, उसमें एक ब्रेकअप भी है और मैशअप भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने बोला मुझे कि सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज़ है कि आर्टिस्ट को अपना लाइक यू नो नेवर गिव अप। आप कभी सोचते हो कि ये मेरे पास है और कल ये मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर ये मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये चीज़ एक्चुअली उसको डीमोटिवेट करती है। दैट रीज़न आर्टिस्ट सुसाइड करता है, ना कि लाइक समथिंग।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग स्ट्रांग रहें, हेल्दी रहें, आप फिट है तो आप हिट है, आपकी सोच अच्छी है तो आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑल फील्ड में कॉम्पिटिशन है। मुझे फर्स्ट टाइम सुनते ही बहुत अच्छा लगा था ये सॉन्ग, क्योंकि ये बहुत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, एक इंडियन इंग्लिश वर्जन सॉन्ग था ये, तो मैंने सुनते ही इसके लिए अप्रूव कर दिया था कि मुझे इसमें आई वॉज़ वेरी विलिंग टू कोरियोग्राफ फॉर दिस सॉन्ग। मैंने पहले भी काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं बट इसमें मेरा एक्सपीरियंस इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। एंड मैं शूट के डे पे तो आई वॉज़ नॉट प्रेजेंट देयर बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने पहले ही इसका कोरियोग्राफी एंड कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या होगा, तो यही था जर्नी। जब आपके पास सॉन्ग लिखे हैं गाने के लिए तो आपको किस तरह का इंटरेस्ट लगा कि भाई? हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि ये मेरा पहला इंग्लिश सॉन्ग था। मैंने हिंदी सॉन्ग्स तो काफ़ी सारे करे हैं लेकिन ये मेरा पहला था। सर ने बोला कि तुम्हें गाना है गाना, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको कोशिश करता हूँ। फिर मैंने जब गाया तो सर को पसंद आया काफ़ी, फिर ये फाइनल हुआ तो फिर जाके शूट हुआ। और कसीम भाई और पीहू जी ने बहुत अच्छा इसको किया है और काफ़ी अच्छा जो वीडियो क्रिएट हुआ है बहुत ही अच्छा, और काफ़ी मज़ा आया गाना देख के पूरा। I have created the concept of this music video and you know, like every girl wants the snowfall in her life, and this in this story a girl is waiting for the snowfall in her life only, so she is imagining like every moments, every snowfall moment. कि कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, कोई भी गाना आता है तो लोग उसमें मेहनत करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट लोग पसंद करें और हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आगे बढ़ें। तो एक ऐसी मेहनत सारे लोगों ने मिलकर के की है और अच्छा काम किया है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये गाना लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँचे और जिन लोगों ने मेहनत की है उनको कामयाबी मिले। अब शुभकामनाएं हैं, शब्द अलग होंगे, शुभकामनाएं साथ में। अभी गाना देखा, अच्छा लगा, अच्छा फिल्म आया गया है और समझ में आता है। अच्छा, क्या उसमें कमी दे रहे? क्या कमी अपनी गाने की? अगर कमी देखिए 100% मान दे, कमी निकालने की बात तो है कि दुनिया का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो, लेकिन हमें वो देखना चाहिए कि उसकी मेहनत कैसी है और उसमें क्या हमें दिखाई देता है। अच्छा, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कमी ना निकाली जा सके, बट मुझे तो अच्छा लगा तो मेरी शुभकामना है कि ये सक्सेस हो। मैडम, आपने पहला सॉन्ग में आप हीरोइन थी, इस सॉन्ग में आप एंकर बने, क्या कहें? सर बनी नहीं, मुझे बनाया गया है। हाँ, पैसे लिए नहीं आप? नहीं, बनाया गया है, बताया ना इन्होंने। सर जब बनाया जाता है तब तो पैसे नहीं मिलते। आपको चलन नहीं हुआ ये गाना देख के कि मैं कस्टमाइज हूं? नहीं सर, नहीं। कैसे आपको पूरा गाना करेगा? बीइंग एन एक्ट्रेस सर, मुझे लगता है कि बाकी के एक्ट्रेस भी फ्लरिश हो, अच्छे से काम करे, अच्छे से आगे जाए, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। रोमांस सीन्स बहुत अच्छे हैं इस गाने के, सर ने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं लड़की के साथ, और शी हैज आल्सो शायद मैं जो कर नहीं पाई वो उन्होंने किया है। बहुत अच्छा गाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। होती है, चार चार लग जाता है। पीयू और हैदर को काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ और पीयू इतनी बड़ी इंडियन शकीरा के नाम से मशहूर है और काफ़ी मैंने शोज़ किए गुजरात में, जहाँ 25,000 का क्राउड था वहाँ पे एकदम टेरिफिक परफॉर्म किया था, तो उनके लिए एक बार तालियां और हो जाए। तो आज का ये जो इवेंट है और स्नोफॉल का जो हमने देखा, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो यही कला क्षेत्र जो है नए टैलेंट को प्रमोट करता है, और दिनेश जी बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने गाना मुझे दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने बोला मैं साथ में हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और स्नोफॉल जैसे कि बॉम्बे में नहीं होती है तो इसलिए शायद इसको देख के कुछ यहाँ भी स्नोफॉल वाला माहौल बन जाए। ये पंजाब में है तो वहाँ से स्नोफॉल लेके यहाँ आ गए हैं, तो कुछ ना तो कुछ अच्छी बर्फबारी करेंगे अभी यहाँ पे। शुभकामनाएं। गाना जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, गाना बहुत ही सुंदर बना हुआ है और जो स्टार कास्ट मिली गई है वाकई में गाने में बहुत ही सुंदर दिख रही है, तो उसमें दिख रहा है कि टीम वर्क बहुत अच्छे से किया गया है।